तीन राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी ने जहां इस बार तीन नए चेहरों को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वहीं पुराने नेताओं का क्या होगा, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में बना हुआ है। सबसे ज्यादा तो उस नेता के बारे में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एमपी में जीत हासिल की है। हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। कई लोगों का कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के सीएम बनने से पहले ही ये कह दिया था कि किसी से मांगने से पहले वो मरना पसंद करेंगे। वहीं इस बयान के बाद कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन शायद अब इन सभी विवादों पर विराम लग चुका है। दरअसल एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। जेपी नड्डा से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान के सुर बदल चुके हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जल्द ही एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने को कहा है। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो आ जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका आप रहे हैं? जो पार्टी तय करेगी अभी कुछ डिसाइड नहीं। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। यही नहीं, शिवराज सिंह एमपी के नए सीएम मोहन यादव की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और मैं विधायक हूं, इस नाते वो मेरे नेता हुए। मेरी दिल से यही इच्छा है कि जिस काम को मैंने एमपी में बढ़ाया था उसे मोहन यादव आगे लेकर चले। एमपी राज्य को बीमार राज्य से निकालकर विकासशील राज्यों की तरफ लेकर वो जाए। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो सभी कामों को मुझसे बेहतर करेंगे और राज्य को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे, और इसके लिए उन्हें जिस काम में मेरी जरूरत होगी मैं जरूर करूंगा। इसके अलावा लोगों के हित में जन कल्याण योजनाओं को लाए जिससे लोगों का भला हो। मैंने मोहन यादव को कहा है कि मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने के लिए उन्हें मुझसे जो भी सहयोग चाहिए वो मैं करता रहूंगा।